साइकिल की तरह पैर से चलाना पड़ता है, तब जाके बोट चलती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ गुजरात में और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है दादरा गार्डन। मैं सुबह ही ब्लॉगिंग के लिए निकला था, लेकिन सबसे पहले मैं पिपरिया गार्डन गया तो वहाँ पर थोड़ा लफड़ा हो गया क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी। फिर मैं वहाँ से लक्षेत्र गार्डन गया, फिर वहाँ पर पहुँच कर पता चला कि ये गार्डन बंद है। फिर मैं दादरा गार्डन की तरफ रुक किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये गार्डन खुला हुआ है और यहाँ पर पर्सन टिकट 25 रुपीज़ है। चलिए अंदर इंटर करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी तकलीफ़ आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज़ यहाँ गुजरात में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है और मैं दिल्ली को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सफ़र करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और दिल्ली में मेट्रो होती थी जिसकी वजह से मुझे सफ़र करने में काफ़ी आसानी होती थी और बहुत आराम से अपनी मंजिल पर पहुंच जाया करता था और आराम से टाइम से वापस भी आ जाया करता था। लेकिन यहाँ पर ऑटो से सफ़र करने की वजह से ना तो टाइम पर कहीं पहुंच पा रहा हूँ और ना ही टाइम पर शायद वापस हो पाऊँगा। और यहाँ पर थोड़ी देर रुक कर मैं आराम कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून है, हर तरफ हरियाली है। ले लिया है, अब हम अंदर इंटर करते हैं। अंदर इंटर करने के बाद आपको दो रास्ते मिल जाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। आप किसी भी रास्ते से शुरुआत करें, फिर आकर यहीं पर एग्ज़िट होगा। चलिए हम दाएं तरफ से शुरुआत करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। गार्डन में चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन हरियाली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, जहाँ पर आकर दिल को सुकून मिलता है और राहत मिलती है। यहाँ पर फूलों को पानी दिया जा रहा है। इससे पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो ये रेस्टोरेंट शायद यहाँ पर नहीं था, वो नया खुला है। रेस्टोरेंट के बिल्कुल बगल में ही आपको वॉशरूम मिल जाएगा। वहाँ पर एक स्टील का बहुत ही बड़ा पुल बनाया गया है, पास जाकर देखते हैं। देखने में तो काफ़ी शानदार लग रहा है। यहाँ पर चारों तरफ से रास्ते हैं और बीच में ये तालाब है जिसमें लोग बोटिंग करते हैं। आज सुबह से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। सबसे पहले जहाँ पर गया वहाँ पर लफड़ा हो गया, जो अंकल थे टिकट वाले, इंफॉर्मेशन काउंटर पे जो बैठता है उससे लफड़ा हो गया, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। काफ़ी शानदार तरीके से इसको बनाया गया है, आप देख सकते हो, काफ़ी शानदार लग रहा है। पर बच्चे वॉलीबॉल फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं। यहाँ से और ही शानदार वो स्टील वाला पुल नजर आ रहा है। ये मेरे पीछे आप जो पुल देख रहे हो ये लकड़ी का है, और मैंने एक व्लॉग में देखा था कि इस गार्डन में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, और खासकर ये जो पुल का एरिया है ये एरिया वीडियो में ज्यादा लाया गया है, और सॉन्ग्स की भी शूटिंग इसमें हुई है बहुत सारी सॉन्ग्स का। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आराम से आप फैमिली को लाकर घुमा सकते हो, यहाँ पर कपल्स वगैरह का कोई मैटर नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर बना दिया गया है जिसमें बच्चे जाकर खेलते हैं इधर से उधर।
और सामने ही आपको एक बड़ा सा हाथी का स्टेचू मिल जाएगा। यहाँ पर सब लोग बोटिंग कर रहे हैं और सामने वहाँ पर तालाब में फुहारे लगे हुए हैं। ये सामने जो आपको वादी टाइप का दिख रहा है, इस पर भी फिल्म्स की शूटिंग की गई है, लेकिन फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है और ऊपर से कांटा भी रख दिया गया है ताकि ऊपर से कोई ना जा सके। फिलहाल ये बंद है। अब हम चलते हैं बोटिंग की तरफ, देखते हैं कि बोटिंग की प्राइस क्या है, और अगर कोई साथी मिला तो बोटिंग ज़रूर करूंगा, और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं। गार्डन में चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर हरियाली शानदार होती है। यहाँ पर आने के बाद आपको सुकून मिल जाएगा, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए कुछ झूले बनाए गए हैं, यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर एक्सरसाइजेज के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई हैं। आपको यहाँ से बोटिंग के लिए टिकट मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं अकेला हूँ इसलिए बोटिंग नहीं कर सकता और काफ़ी लेट भी हो गया है। अब मुझे यहाँ से लौटना है। पूरा दिन परेशान होने के बाद सिर्फ एक वीडियो शूट हो पाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर कोई गुजरात का है तो वो कमेंट में ज़रूर बताए कि गुजरात में कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि मैं गुजरात में नया हूँ और गुजरात के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता। इसलिए आज पूरा दिन लग गया मुझे सिर्फ तलाश करने में कि कहाँ पर जाऊँ व्लॉग बनाने के लिए। एक दो जगह गया तो वहाँ पर बना नहीं सका, क्योंकि कहीं परमिशन नहीं था तो कहीं पर बंद था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।